अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज बनाते हैं ये जबरदस्त किस्म के और झटपट बनने वाले गुलाब जामुन। मैं भी पहली दफा ही ट्राई करने लगी थी। मैं ये शान का पैकेट लेकर आई थी गुलाब जामुन वाला, इसके अंदर से इस तरह का एक पाउडर सा निकला था, तो वो हमने इसके अंदर से सारा निकाल लेना। बाकी मैं टोटली जो डब्बे के ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग ही इसको बनाऊंगी। तो देखते हैं ये कैसे बनकर तैयार होते हैं। इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून घी एड होगा और साथ में 4 से 5 टेबल स्पून पानी का एड करेंगे। ये दोनों चीजें एड करके मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कि इसकी डो बना ली थी। डो इसकी क्यों बहुत स्मूथ और परफेक्ट नहीं बनेगी, हल्की सी रफ रहेगी। जब इसकी डो बन जाए तो इसको आपने 10 मिनट का रेस्ट दे लेना। इतने से पाउडर के 14 से 15 हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये छोटे छोटे गुलाब जामुन सारे बना लिए, ये हमारे रेडी हो गए हैं। अभी दूसरी साइड पे मैंने हल्की आंच पे तेल को नॉर्मल सा गर्म कर लिया है। बहुत ज्यादा गर्म तेल के अंदर आपने इसको नहीं डालना, नहीं तो बहुत जल्दी इनको बाहर से कलर आ जाएगा और ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने ऑयल का टेम्परेचर नॉर्मल ही रखना है और आपने साइड्स पे घुमाते हुए इनको सारी साइड्स को ब्राउन कर लेना है। जब अच्छी तरह से इनके ऊपर ब्राउन कलर आ जाए तो आपने इस तरह इनको बाहर निकाल लेना है। दूसरी साइड के ऊपर मैंने एक पैन के अंदर 2 कप पानी ऐड किया था और उसके अंदर मैंने 1.5 कप चीनी ऐड करके उसको मिक्स करके एक चाशनी सी बना ली थी। तो अभी इनको यहाँ से निकाल के उस चाशनी के अंदर हम इनको 4 से 5 मिनट के लिए लो हीट पे पका लेंगे। फिर इसकी हम हीट बंद कर देंगे लेकिन इनको चाशनी के अंदर ही रखेंगे। तो अभी मैं आपको एक गरम गरम तोड़ के भी दिखाती हूँ। आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई गुठली नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट हमारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए थे। बस एक ही ड्रॉबैक मुझे इसका लगा है, वो ये है कि ये उतने ही नहीं फूल कर बड़े हुए थे जितना कि मुझे था कि ये हो जाएंगे। कि नॉर्मल हम मार्केट से भी लाते हैं तो वो भी थोड़े बड़े साइज के होते हैं। बाकी इनका टेस्ट एग्जैक्ट वैसा ही था जैसा हम मार्केट से गुलाब जामुन लेकर आते हैं और फिर ताजे ताजे घर में गरम गरम ये बने थे। बहुत ही मजे के बनकर तैयार हुए थे। आप भी ये क्विक सी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको बड़े साइज में चाहिए तो आप इसके बॉल कम बनाएं, आप 14 से 15 ना बनाएं, और अगर आपको मिनी गुलाब जामुन चाहिए तो आप 14 से 15 भी इसके बना सकते हैं। इतना मजे का इसका टेस्ट आया था, तो जल्दी से इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे साथ अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी खुश रहें, आबाद रहें और खुशियां बांटते रहें। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।